यूपी संबल विधानसभा 31 चंदौसी समाजवादी पार्टी की सीट की अटकलें खत्म। चंदौसी विधानसभा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी विमलेश कुमारी। चंदौसी समाजवादी के प्रत्याशी घोषित होते समाजवादियों में जश्न का माहौल। जनता ने समाजवादी के प्रत्याशी को मिठाइयां खिलाकर दी बधाई। लोगों ने मिठाइयां बांटकर ढोल नगाड़ों पर किया डांस, छोड़ी आतिशबाजी। समाजवादी प्रत्याशी विमलेश कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी गुलाबो देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि चंदौसी की बीजेपी के राज में बीजेपी विधायक ने जनता से झूठे वादे कर उनके वोट हासिल किए, मगर चंदौसी की जनता अभी तक नगर गांव के विकास के लिए तरस रही है और बीजेपी प्रत्याशी का चौतरफा विरोध हो रहा है। विमलेश कुमारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं चंदौसी की बेटी हूं, अगर जनता ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं चंदौसी का चौतरफा विकास करूंगी। देखिए संतुराज, 17 से लेकर अब तक का जो कार्यकाल रहा, आपने देखा होगा कि वो चुनाव केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं था, वो केवल एक लहर का चुनाव था, एक धर्म के नाम पर चुनाव था, जो कि आज हमारे हर प्रति वर्ग में ये सब चीज टूट चुकी है। लोग विकास चाहते हैं। और रही बात मेरे इतने लंबे अंतर से हारने की, सब जानते हैं कि उस समय जितना भी हमारा बीसी और सामान्य जो वर्ग था, उसे बड़ी आशाएं थी बीजेपी से कि धर्म के नाम पर हमें कहीं ना कहीं तवज्जो मिलेगी, सरकार में तवज्जो मिलेगी, कैबिनेट में तवज्जो मिलेगी, संगठन में मिलेगी। जब उनके कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके बीजेपी को जिताने का काम किया, जब उनके घर के लोगों का ही काम नहीं हुआ तो जनता के काम को क्या करेगी। इसी के मद्देनजर लोगों ने बदलाव किया है, परिवर्तन किया है, और परिवर्तन इस बार चंदौसी की जरूरत है और परिवर्तन होगा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरे रंजीत, जैसे यहाँ से जो भाजपा की विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, उनके ही पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या लगता है उसको आप भुना पाएंगे उन वोटों को? दूसरा ये सवाल रहेगा कि जो देरी हुई टिकट की घोषणा होने में, और भाजपा की जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कई दिन से घूम रही है और यहाँ कई दिन की देरी होने से, क्या लगता है जो उन्होंने जो वोटर जो नाराज था उसको मना लिया है, और आपकी जिस तरीके से टिकट में देरी हुई है उससे नुकसान होगा यहाँ पार्टी को? टिकट की देरी से हमारे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात उनके विरोध की, उनके जो कार्य रहे हैं उन कार्यों के आधार पर ये जनता आंकलन कर रही है कि यह व्यक्ति कौन इसे सक्षम है जो इस क्षेत्र को, चंदौसी के क्षेत्र का विकास कर सकता है, ये जनता तय करेगी। जनता ने आंकलन कर लिया तो उसी के आंकलन के आधार पर उन्होंने अपने परिवर्तन का रूप हमारे जो क्षेत्र के सामने है, और बहुत जल्द आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। इन्होंने काम, मैंने फिर कह रही हूँ कि केवल उन्होंने कहा, धरातल पर काम कुछ नहीं किया। जनता को काम चाहिए, जनता से अगर आप वोट ले रहे हैं, उसका समर्थन ले रहे हैं, तो उसका काम करने के लिए भी दायित्व आपका ही बनता है। जो सरकार में लोग बैठते हैं उनका दायित्व। उन्होंने कहा कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, 72 सड़कें हम लेकर आए चंदौसी विधानसभा के लिए। ये जाल जहाँ बिछा होगा, शायद जनता के लगातार सड़कों भी चल रही है, उनकी गाड़ियां भी सड़कों पे निकलती है। आप जनता से खुद पूछ लीजिए, वो गड्ढों में निकल रहे हैं कि सड़क पे निकल रहे हैं, ये जनता ही जवाब देगी। ये हम लोग जवाब नहीं देंगे, जनता जवाब देगी। मंत्री जी का कहना है कि मैं मुख्यालय संबल से लेकर चंदौसी क्षेत्र में लेके आई। मुख्यालय पहले भी यही था और मुख्यालय का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो वो ये सोचती हैं कि मैं इसके आधार पर जनता के दिल में थोड़ा सा अपना जगह बना लूंगी, अब वो जगह नहीं बना पाएंगे। और शायद मैं समझती हूँ बीजेपी अपनी जगह नहीं बना पाएगी, उन्होंने जनता के दिल को तोड़ दिया है। लगातार लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ चंदौसी सुरक्षित सीट से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मैं चंदौसी की जनता की तरफ से, चंदौसी की समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी गढ़ की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जनता की आवाज़ को सुना और यहाँ उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। मैं उनका हृदय से उनका स्वागत करती हूँ। और रही बात यहाँ के हमारे प्रमुख जो समस्याएं हैं, मैं उस पर आपसे ये कहना चाहूँगी कि पिछली बार सन 2017 से लेकर अब तक का जो कार्यकाल हमारे यहाँ की विधानसभा का रहा है वो इतना दयनीय है और सोचनीय भी है कि यहाँ की जनता ने जिसको वोट दिया वो निराधार साबित हुई। क्षेत्र बिल्कुल विकास विहीन रहा है। जिन मुद्दों पर इन सरकार को बात करनी थी, जिन मुद्दों पर हमारे जनता को आश्वासन देना था, उनके कार्य करने थे, उन मुद्दों को केवल उन्होंने कागजी तो कार्रवाई रखी, कागजों में तो संपूर्ण करके दिखाया, लेकिन धरातल पर उन्होंने कभी बिल्कुल करके कुछ नहीं दिखाया। और जनता किसी का आक्रोश उनकी आंखों में और उनके दिल में
जाग रहा है, जिसका सीधा सीधा असर समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है कि वो अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और यहाँ से साइकिल के सिंबल के निशान के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। यहाँ के सभी वर्गों में, सभी धर्म के लोगों में एक ही चेतना जाग रही है, केवल हमें अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, जो जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने फिलहाल में जो 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा उन्होंने किया है कि हम सरकार में आने के बाद 300 यूनिट पर यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसका आवेदन फॉर्म उन्होंने भरवाना भी चालू कर दिया है। और समाजवादी पेंशन की उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है। तमाम उन्होंने भर्तियों की बात उन्होंने पहली कही कि हमारी पहली कैबिनेट में जब हमारी सरकार आएगी तो हम भर्तियों की घोषणा करेंगे। आपने शिक्षा मित्रों को पक्का करने का वादा किया है। तमाम तरीके की जो घोषणाएं हो रही है वो केवल आश्वासन देने के लिए नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले जो कहा सब किया है। ये बीजेपी पार्टी नहीं है जो कहती है, केवल कागजों में कार्य करती है, धरातल पर नहीं उतारती। इसीलिए जनता में आक्रोश भी है, जनता बदलाव चाहती है, जनता साइकिल को चाहती है, जनता अखिलेश यादव को चाहती है। मैं यहाँ के सभी लोगों से, चंदौसी विधानसभा के सभी मतदाताओं से ये अपील करती हूँ कि वह यहाँ बदलाव करें, परिवर्तन लाएं और अपने विकास में अपना और अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र के लोगों का और अपने क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी साइकिल के निशान पर बहुमत से जिता करके आप उसका साथ दें। बहन जी, दो सवाल मेरे रहेंगे। पहला सवाल ये था कि कई दिन से उठापटक थी टिकट चंदौसी का फाइनल होने की, पूरे मंडल की टिकट